हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा आसान ट्रिक के अंदर फोटो एडिटिंग लेकर आ गए हैं कि आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड कोई भी ऐप के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आपको ओनली ऑन हेड लगाना है अपनी फ़ोटो में, आपका फ़ोटो बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये नहीं हेड लगा है एंड इसमें हेड लगा है। आपको ना बैकग्राउंड बनाना है ना तो कुछ भी नहीं करना है, ओनली ऑन हेड लगा दीजिए, आपका फ़ोटो बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं इतना ज़्यादा मस्त फ़ोटो बन गया है, देख सकते हैं, ये देख लीजिए इतना ज़्यादा मस्त फ़ोटो बन चुका है हमारा। तो कुछ इसी तरह का फ़ोटो बनाना आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं इस वाले फ़ोटो के अंदर। तो इस वाले फ़ोटो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो देख सकते हैं इतना आसान ट्रिक के अंदर आपको सिखाएंगे आज। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच कर लेना है एंड चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको स्नैपसीड एंड लाइटरूम एंड ऑटोडेस्क एप्लीकेशन भूल जाइएगा। हर एक ऐप के अंदर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक ही ऐप के अंदर फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो है गाइस, इस फोटो को शेयर कर लेना है फिक्सर्ड एप्लीकेशन के अंदर। तो ओनली ऑन एक ऐप, एक एप्लीकेशन आपको लगने वाला है। तो ये एप्लीकेशन एंड फिक्सर्ड ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है फिक्सर्ड से। तो फिक्सर्ड अगर आपके पास ना हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, यही वाला एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड फोटो को शेयर कर लेते हैं। फोटो शेयर करने के बाद मिलते हैं। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो शेयर हो गया है, ये देख लीजिए फिक्सर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम लोग हैं एंड फिक्सर्ड में आप लोग फीचर एंड आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं इतना ज़्यादा है। तो आप लोगों को यहाँ से वीडियो को फुल वॉच करना है, ध्यान से यहाँ से देखना है एंड स्किप कहीं भी मत करना, नहीं एक भी स्टेप भूल जाएंगे तो आप लोग इतना आसान तरीका मिस कर देंगे फ़ोटो एडिट करने का। इस ऐड वाले फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है। ऐड वाले फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपनी एक फ़ोटो ले लेना है। आप अपनी कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा। तो मैं अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है एंड फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे मिटाने वाला ऑप्शन होगा, इसी पे क्लिक करना है। मिटाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक सेलेक्ट के अंदर आपका एक ऑप्शन मिलेगा पर्सन वाला। पर्सन ये लोग आप लोग देख सकते हैं पर्सन वाला ऑप्शन होगा, इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करके वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए ये नहीं करूंगा एंड मैं फ़ोटो को पूरा मिटा लूंगा इस मिटाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह मिटा लेता हूं। तो यहां से देख सकते हैं मैंने मिटाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को इसी तरह करना है तो इस तरह मिटाने वाला कर लेना है, लेकिन पर्सन वाले क्लिक करके आप लोग करेंगे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करेंगे सबसे आसान तरीका होगा आप लोगों के लिए। इंटरनेट ऑन रख देना है, बस इस पर क्लिक कर देना है, वन क्लिक में आपका रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड, ओनली ऑन आपका हेड बचेगा एंड आपका चेहरा बचेगा। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसको पूरा मिटा लेता हूँ। तो मिटाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा रिमूव हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं रिमूव होने के बाद यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ सही वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपनी फ़ोटो को सेट कर लेंगे। आपको जैसे मैं सेट कर रहा हूँ कुछ इसी तरह सेट करके मिटाने वाले ऑप्शन पर चले जाना है। मिटाने वाले ऑप्शन पर जाने के बाद फिर से आपको मिटा लेना है। तो अपनी फ़ोटो को पूरा अच्छे तरीके से सेट कर लेना है मिटा के। तो आपको सेट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसको फुल करना है एंड पूरा इस पर इरेज कर देना है, यानी कहीं भी छूटा हो तो आपका इरेज हो जाए। इरेज होने के बाद आप लोग देख लीजिए ऐसे आपको सेट कर देना है ताकि लगे कि हाँ हाँ हमारा ही हेड है, ताकि कोई कह भी ना सके दूसरे का हेड है। तो कुछ अच्छे तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है इमेज को। इमेज सेलेक्ट करने के बाद अभी मिस मत कीजिए, अभी इतना अच्छा सेटिंग आपको बताने वाले हैं। अभी आपके एक कमी है गाइस, इसमें एक कमी और है। तो इसमें एक कमी क्या है देख लीजिए, आपको बता देते हैं वो कमी। इसमें एक प्रॉब्लम यह है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ सेट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इतने में कुछ इतनी सेटिंग करना है, एक ऐप के अंदर और जाना है तो वो सेटिंग आपको कर लेना है। तो इतना करने के बाद यहाँ से तो डन कर देना है, यहाँ से डन कर देना है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से डन कर देना है। हमारा फ़ोटो यहाँ तो बन चुका है एंड बनने के बाद यहाँ से देख सकते हैं शेयर वाला ऑप्शन होगा, इसी पर क्लिक करेंगे शेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देख लीजिए एक सेव वाला ऑप्शन होगा, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख लीजिए सेव वाला ऑप्शन आ चुका है, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देख लीजिए मोर वाला ऑप्शन होगा, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्नैपसीड एक एप्लीकेशन होता है,
स्नैपसीड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। एक ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एंड टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्लस को यहीं पर रखना है, गर्दन के पास, अपने हेड के पास रखना है। एंड कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को पूरा 100 कर देना है माइनस में। 100 करने के बाद सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड कंट्रास्ट को कम कर देंगे, थोड़ा सा 20 कर देंगे, -20। एंड आप लोग देख सकते हैं लगने लगा हमारा ही हेड है। तो इतना ज़्यादा आसान ट्रिक के अंदर आप लोग फोटो एडिट करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, एंजॉय।